ज्यादा तो हत्यारा है विष्णुराज, और रूस को तो फांसी का ही सजा होना चाहिए। गोरखपुरिया भौजी भी ऐसा, गोरखपुरिया भौजी कहा थे, अरे वो सब सुनाई, मुझे तो लग रहा है चारों मिल करके ही मारा होगा भगवान। की दादा भी क्या भाषण दे रहे, मैं अपने पोता को खुद, अरे कौन से मुंह से पोता को क्या रखेगा बुड्ढे, भगवान जाए अपनी पत्नी को हत्या कर दिए बताओ। और इसमें दोस्तों पूरा पूरी इसमें पूरा पूरा हाथ दोस्तों विष्णुराज का है। और तो हेलो दोस्तों, नमस्कार, प्रणाम, तो स्वागत है दोस्तों आप सभी का हमारे एक नए फिर से एक नए वीडियो में दोस्तों। और कैसे आप लोग, उम्मीद करते हैं स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे दोस्तों। और कल दोस्तों मैं बात की थी मालती चौहान और विष्णुराज के बारे में दोस्तों, पर हम लोग को तो पूरा सच्चाई तक नहीं पता था, पर आज सब चीज पता, पूरा राज खुलासा हो रहा है धीरे धीरे सब चीज ना जी, कि उनके साथ बेचारी के साथ क्या हुआ, कितना गलत हुआ दोस्तों, हम लोग को अब सच्चाई पता चला। कभी भी कोई भी औरत के साथ दोस्तों इतना गलत नहीं होना चाहिए जितना गलत उसके साथ हुआ है। पर इतना जरूर ये करेंगे दोस्तों, जितना भी पुलिस प्रशासन जो भी लोग हैं और जितने भी गोरखपुर के हैं, हम लोग तो दोस्तों अपने और से बोल ही सकते कर ही सकते हैं, जितने भी ब्लॉग बनाते सब लोग अगर उनका थोड़ा थोड़ा मदद कर तो जरूर पुलिस प्रशासन भी अपना कार्रवाई करेंगे दोस्तों। और जिनका भी ये चीज में दोस्तों हाथ है उनको तो सजा मिलना ही चाहिए, वो भी फांसी का सजा मिलना चाहिए, थोड़ी बहुत सजा नहीं है। देखिए दोस्तों, तो दोस्तों उसे कड़े से कड़े सजा मिलना चाहिए। और अभी तो सुनने में भी आ रहा है दोस्तों कि जो लोग ऐसा किए है ना उनको तो सजा मिलेगा ही, उनके पापा मालती के पापा जो है वो भी चुप बैठेंगे, और कोई भी बाप दोस्तों चुप नहीं बैठेगा उसकी बेटी के साथ इतना बुरा होगा, क्योंकि इसमें पूरा पूरा हाथ दोस्तों विष्णुराज का है। और उनको भैया जो उम्र में तो भैया लगेंगे दोस्तों, पर भैया बोलने में भी उन्हें ना शर्म आ रहा है और सभी को आएगा। और ना आजकल ना इतना खराब होते जा रहा है कि सब ना पति पत्नी से अपना विश्वास हटा देंगे, जितना बुरा हो रहा है। और सबसे ज्यादा तो दोस्तों गोरखपुर में ही ऐसा होता है सबसे ज्यादा, और मालती के घर में बहुत ही ज्यादा, जिस समय मार रहे होंगे कितना उनका हाथ नहीं कापा, भगवान जाने अपने पत्नी को हत्या कर दिए बताओ। और इसमें दोस्तों पूरा पूरी मालती की बहन जो शांति है, उनके पापा है, फिर जाके उनके भाई मालती के भाई का नाम, हर घर आदमी में मारते समय कोई नहीं देखा, बताओ ना, बताओ इतना चार पांच भाई है। और इसमें सुनाई, मुझे तो लग रहा है चारों मिल करके ही मारा होगा, भगवान जाने कौन मारा। पर विष्णु तो दोस्तों सुनी हूँ कि पुलिस भी उन्हें लेकर चले गए हैं, और जितने भी अमरनाथ और भी बहुत सारे हैं उनका नाम, सब लोग भागे हुए हैं, महादेव वो लोग सब लोग भागे हुए हैं कि छुपे हुए हैं वो तो भगवान जाने, पर विष्णुराज पकड़ा गया, पुलिस लेकर गया है, पुलिस का हिरासत में है। यहाँ तक कि बता दो, आज ही सुबह की बात है दोस्तों, हम लोग सुबह सोकर उठे हैं, हम ही लोग को नहीं अच्छा लग रहा, एक तो वो लोग के घर में बच्चे को रख रखे, अरे कम से कम आदमी तो हत्यारा है वो क्या देगा मुक्त अपने बीवी को, कम से कम। और बाप तो दोस्तों कोई भी बाप अपनी बेटी को आग नहीं देता है, उसके पति देंगे या उनके बेटा देगा। तो दोस्तों अगर युवराज है 1.5 साल का, ये छोटा ही, मेरा भी बाप 1.5 साल का छोटा ही था, पर फिर भी वो नॉम अपने मालती खुद जन्म दिए दोस्तों, उसे दूध पिलाई और अभी तक पिलाती भी थी दूध, तो कम से कम बेटा का मुंह उनको देखना चाहिए, मुंह दिखाना चाहिए। तो उनके घर में कोई देने के लिए राजी नहीं थे, फिर उनके पापा गए, पुलिस गए, और इसमें गोरखपुरिया भौजी दोस्तों कितने लोग बोले, गोरखपुरिया भौजी भी ऐसा, गोरखपुरिया भौजी कहते अरे वो बेचारी का क्या हाथ, वो तो और बेचारी साथ दे रही है, वो आज से कितने दिन से करी दोस्तों, चाहे कोई भी औरत रहे अगर उनसे कोई हेल्प मांगता है। और मैं दोस्तों इतना बोलूंगी, जैसे वो भौजी इतना हिम्मत वाली है, गोरखपुरिया भौजी इतना स्ट्रांग है, वैसे भगवान सब औरत को स्ट्रांग बनाए, क्योंकि ना आजकल की दुनिया में ना दोस्तों औरत को खुद से लड़ना पड़ता है, तो वही वो तो इतना मदद करी, पर फिर भी कितने मीडिया भाई लोग हैं सब लोग बोल रहे उनपे, अरे उनको जो आप लोग बोल रहे हैं, आप लोग जाकर विष्णुराज से पूछिए, अमरनाथ से पूछिए, महादेव से पूछिए, उनके जितने खानदान है सबसे पूछिए खोड़ खोड़ कर कि क्या है क्या नहीं है सच्चा, जो अगल बगल वाले रहते हैं उनसे पूछिए, वो तो गोरखपुरिया भौजी तो दूर में, वो तो दूर में रहती है, वो जाने क्या पता, और वो तो छठ कर रखी थी, उन्हें क्या पता, उस समय तो छठ कर रखी थी, उनके जैसा भी कोई औरत होगा दोस्तों, पर जो भी बोलते हैं ना बहुत गलत बोलते हैं। और सबसे ज्यादा तो हत्यारा है विष्णुराज, और रूस को तो फांसी का ही सजा होना चाहिए,
बहुत गलत है, बहुत। एक बच्चे से ना उसके माँ को छीना, एक बाप को, मुझे तो लग रहा है उसको फांसी भी नहीं देना चाहिए, फांसी उसको तड़पा तड़पा के सबके सामने मारना चाहिए, पूरा पब्लिक मिल के उसे पटके ना, तब पता चले पुलिस पर क्या करे। आजकल पब्लिक भी तो कुछ नहीं करता है ना, पब्लिक बोल ही सकता, कर ही सकता, हम लोग दोस्तों सपोर्ट ही कर सकते, पर आगे का काम पुलिस का है कि पुलिस क्या करती है। अच्छा खासा लेडीज को मार दिया, बताओ बताओ, वो इतना अच्छी दोस्तों, चलो कोई नहीं, लड़ाई झगड़ा पति पत्नी में सबका होता है, मार पीट पर मारते भी है आदमी दोस्तों, पर इतना नहीं मारता है कि अपनी औरत को बार बार मारेगा, कोई भी मारता ही होगा तबे उतना गलत कदम, पहले भी बहुत मार मारता था। इतना लड़ाई, माँ को लगा कर गाली देना, बहन को लगा गाली देना, ये कौन सा नियम है, कहाँ का नियम है। हर दो आदमी के नाम पे ना कलंक हो कलंक, इतना बुरा नहीं बनना चाहिए, भगवान ऊपर देख रहे हैं, जिस टाइम पड़ेगा ना उस टाइम पता चलेगा। और उनकी मौसी और जो बुआ है मोटी मोटी, वो लोग भी तो देख रहे, मालती मरी, उसका वो क्या पोस्टमार्टम के लिए गया है, उसके पास जा नहीं सकते थे, मालती की बहन लोग सब लोग गए, उसके पापा गोरखपुर, जितने भी गोरखपुर के जितने यूट्यूबर सब लोग गए वहाँ पर, आप लोग नहीं जा सकते थे, इतना आप लोग का शरीर में कटजी हो गया, इतना तबीयत खराब है। मालती की विष्णुराज का जो मौसी की कौन है वो क्या बोल रही है कि तबीयत खराब है, अरे तबीयत खराब है कौन तबीयत, जब वो मर गया है दूसरा इंसान अगला, और आपको तबीयत आपका खराब है, पहले देखेंगे तबीयत देखेंगे, बताओ ऐसा नहीं होता कोई इंसान, ना बेटा ना ना सोना मेरी दोस्तों, पता नहीं कौन सा मिट्टी का बना हुआ है। और अगर चलो कोई नहीं, अगर उनके जितने भी भाई लोग थे अगर मिले भी नहीं थे, वो काम भी नहीं किए, तो कम से कम तो आपको जाना चाहिए ना, सब चीज में बोलते हैं कि उपराज का माल, पहले तो बच्चे को भी जाने नहीं दे रहा था, सोचो कितना गद्दारी वाला काम कर रहा था, पुलिस प्रशासन गया तब जाके, और उसके दादा भी क्या भाषण दे रहे, मैं अपने पोता को खुद, अरे कौन से मुँह से पोता को क्या रखेगा बुड्ढे, कौन से मुँह से रखोगे, भल्लो देखो दो, अरे अपने बेटा को संभाल ही नहीं पाया, पोते को क्या संभाला, वो भी हो गया बेचारी, कितना पैसा कमाती मालती, कितना हद से ज्यादा, इतना उनका सब्सक्राइबर इतना ये, पर फिर भी उनके लाश के लिए दोस्तों चंदा काटा गया, कितना बुरा बात है ये, उतना पैसा नहीं था जो पोता को रखने के लिए, चल अगर वो पोता को रखने के लिए बोल रहा, चाहे विष्णु अगर जेल भी गया, अगर उनका गलती नहीं है फिर भी उसे पुलिस अगर लेकर गया पब्लिक को बोले, फिर भी अंतिम संस्कार के लिए पैसा तो देता, इतना कुत्ता हो गया, हद है ये लोग। चलिए दोस्तों मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वाले ब्लॉग में, और बहुत ही गुस्सा आ रहा है दोस्तों बहुत, और विष्णु राज का तो इसमें पूरा 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 हाथ है, उनको तो एकदम मौत होना चाहिए, तड़प तड़प कर मौत होना चाहिए। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वाले वीडियो में और कुछ सच्चाई लेकर के,